हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ हरीश गंगवा एंड टुडे आई एक्सप्लेन एक्ट टू एंड सीन टू फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस। यस्टरडे आई हैड गिवन यू द समरी एंड आई होप दैट यू हैव लर्न इट, दैट यू हैव गॉट अबाउट इट, दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इन एक्ट टू एंड सीन टू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So dear students, in this scene we will see that Lancelot is speaking to himself. वो सिर्फ अपने आप से बोल रहा है, अपने आप में सोचता है बातें। तो क्या सोचता है अपने मन में? उसने प्लानिंग बनाई थी कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा शायलॉक के घर से, और तो वो अभी अनडिसाइडेड है कि वो शायलॉक की जॉब छोड़े या नहीं छोड़े। So he says, certainly my conscience will serve me to run from this you, my master. कहता है कि जो मेरी conscience है वो serve करेगी, मतलब मुझे permission देगी यहाँ से भाग जाने की, अपने मालिक शायलॉक यहाँ से भाग जाने की सलाह देगी मुझे। The fiend is at mine elbow and tempts me. Fiend means devil. कहता है एक साइड में जो डेविल है मेरे मन में तो बिल्कुल मेरी एल्बो पर है, यानी बिल्कुल पास में ही है, और वो टेम्प्ट्स करता है यानी कोशिश करता है। सेइंग टू मी, मुझसे ये कहता है, गोबो लॉन्सलॉट गोबो, गुड लॉन्सलॉट और गुड गोबो और गुड लॉन्सलॉट गोबो, यूज़ योर लेग्स, टेक द स्टार्ट, रन अवे। क्या कहता है कि जो डेविल है मेरे अंदर वो क्या कहता है, गोबो तुम अच्छे गोबो हो, बहुत अच्छे हो, तुम अपने पैर यहाँ से निकालो, भागो और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कंसाइंस क्या कहती है? कंसाइंस गुड एडवाइस देती है कि अपने मालिक को मत छोड़ो। तो कंसाइंस क्या बोलती है? नो, टेक हीड ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, टेक हीड ऑनेस्ट गोबो, और एज अफोरसेड ऑनेस्ट लॉन्सलॉट गोबो। यानी बार बार यही नाम रिपीट करता है कि गोबो लॉन्सलॉट गोबो ऑनेस्ट गोबो। डू नॉट रन, कहता है भागो मत, प्लीज़ मत भागो। स्कॉर्न रनिंग विद दाई हील्स, स्कॉर्न मतलब हेट करो भागने को। कहता है कि अपने पैरों को भागने पर मजबूर मत करो और यहाँ से भागो मत। Well, the most courageous fiend bids me pack. कहता है लेकिन जो fiend है, devil है, तो वो pack करने के लिए सलाह देता है। Bids मतलब order करता है, advice देता है। The fire, says the fiend. क्या कहता है? Away, यानी चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, says the fiend. Devil कहता है चले जाओ यहाँ से, आत्मा कहती यहीं रुको, मन कहता है यहीं रुको, लेकिन devil कहता है भाग जाओ। For the heavens, rouse up a brave mind. तो devil क्या कहता है? यानी भगवान के लिए mind को अपने brave बनाओ और यहाँ से भाग जाओ। Says the fiend and run. तो fiend क्या कहता है? भाग जाओ। Well, my conscience hanging about. तो devil क्या कहता है? भाग जाओ, और conscience क्या कहती है? रुक जाओ। फिर आगे क्या बोलता है? Well, my conscience hanging about the neck. कहता है जो मेरी कंसाइंस है, जो मेरी अंतरात्मा है, वो मेरे गले में हाथ डालकर मुझे मना कर ऐसे कह रही है, जैसे कभी कभी वाइफ अपने हस्बैंड के गले में हाथ डालकर कुछ बातें कहती हैं मनाने के लिए। तो कहता है मेरी कंसाइंस बिल्कुल उस तरह से मेरे गले में हाथ डालकर लिपट रही है और मुझसे कह रही है, नेक ऑफ माई हार्ट सेज वेरी वाइजली टू मी, माई ऑनेस्ट फ्रेंड लॉन्सलॉट, बीइंग एन ऑनेस्ट मैन सन और रादर एन ऑनेस्ट वुमेन सन। कंसाइंस क्या कहती है अपने दिल से, गले में हाथ डाल के कहती है, माँ ऑनेस्ट फ्रेंड लॉन्सलॉट, यानी लॉन्सलॉट तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट मैन के सन हो और ऑनेस्ट वुमेन के भी सन हो। फॉर इंडीड माई फादर डिड समथिंग स्मैक समथिंग ग्रो टू, क्या कहता है? क्योंकि जो मेरे फादर हैं
उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जो ग्रो अप की काउंटिंग में आते हैं। ही हैड अ काइंड ऑफ टेस्ट, और उनका अपना अलग खुद का टेस्ट था, उनकी अलग खुद की चॉइस थी। वेल माई कंसाइंस सेज, क्या कहता है, मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है, मेरा मन मुझसे कह रहा है, लॉन्सलॉट बज नॉट, बज नॉट मीन्स मूव नॉट, इट मीन्स डोंट रन। अंतरात्मा कहती है डोंट रन, बज सेज द फियंड, लेकिन डेविल कहता है बज यानी भाग जाओ। बज नॉट सेज माई कंसाइंस, क्या कहता है, कंसाइंस बोलती है बज नॉट यानी मत भागो। कंसाइंस आई से, तो लॉन्सलॉट कहता है मैं अपनी कंसाइंस से बोलता हूँ। यू काउंसिल मी वेल, फियंड से आई यू काउंसिल वेल। तो अब डेविल लॉन्सलॉट एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, वो दोनों की बातें सुन रहा है, अपने मन में सोचता है कि भागूं या नहीं भागूं। तो अंतरात्मा कहती है कि मत भागो, तो कहता है कि हाँ तुम्हारी सलाह भी अच्छी है, तुम भी अच्छी काउंसिल दे रहे हो। और जो डेविल है वो भाग जाने की एडवाइस दे रहा है, तो कहता है हाँ तुम्हारी सलाह भी अच्छी है, अब किसकी मानूँ। तो आगे क्या कहता है, टू बी रूल्ड बाय माई कंसाइंस आई शुड स्टे विद द जीव माई मास्टर, क्या कहता है कि अगर मैं अपनी कंसाइंस की बात मानूँ, टू बी रूल्ड बाय माई कंसाइंस मतलब अपनी कंसाइंस अपनी अंतरात्मा की बात मानूँ, तो मुझे अपने मालिक जीव के साथ रुकना पड़ेगा। हु गॉड ब्लेस द मार्क इज़ अ काइंड ऑफ डेविल, कहता है कि भगवान उसे सलामत रखे, लेकिन वो अपने आप में ही खुद एक शैतान है, खुद एक डेविल है। लेकिन अंतरात्मा कहती है डेविल के पास रुक जाओ। एंड टू रन अवे फ्रॉम द जीव आई शुड बी रूल्ड बाई द फियंड, कहता है कि अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो मैं फियंड की बात मानूँगा, डेविल की बात मानूँगा। हु सेविंग योर प्रेजेंस सेविंग योर रेवरेंस इज द डेविल हिमसेल्फ, तो जो फियंड है वो खुद अपने आप में डेविल है, उसकी सलाह माने तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। सर्टेनली द जीव इज़ द वेरी डेविल, कहता है कि लेकिन अपने मन में ही सोच रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो सोचता है, क्या कहता है कि जो जीव है वो खुद ही अपने आप में डेविल इनकारनेशन है। इनकारनेशन मतलब अवतार होना, भगवान का रूप जैसे होता है श्री कृष्ण हुए, श्री राम हुए, तो उस तरह से कहता है ये तो डेविल का इनकारनेशन है जीव अपने आप में। एंड इन माई कंसाइंस माई कंसाइंस इज बट अ काइंड ऑफ हार्ड कंसाइंस, कहता है लेकिन जो मेरी कंसाइंस है वो थोड़ी टफ है, हार्ड है। टू ऑफर टू काउंसल मी टू स्टे विद द जीव, जो मुझे इस जीव के साथ रुकने की सलाह दे रही है, तो इसका मतलब मेरी कंसाइंस मेरे लिए बहुत हार्ड हो रही है। द फियंड गिव्स द मोर फ्रेंडली काउंसिल, कहता है कि लेकिन जो इसकी सलाह है ना, डेविल वाली सलाह अच्छी है, कहता मन वाली सलाह अच्छी नहीं, क्योंकि वो तो खुद डेविल के पास रुकने को बोल रहा है, लेकिन डेविल जो सलाह दे रहा है, डेविल ये सलाह दे रहा है कि डेविल के पास से भाग जाओ, तो डेविल वाली बात सही है। तो क्या कहता है, आई विल रन फियंड माई हील्स आर एट योर कमांड आई विल रन। तो अब लॉन्सलॉट ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो शाइलॉक को छोड़ देगा, कहता है बिल्कुल अब तुम्हारी कमांड पर हूँ, मेरे पैर अब बिल्कुल तुम्हारी कमांड पर चलेंगे और मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। अब लॉन्सलॉट ने डिसाइड कर लिया है, यहाँ उसके मन की बातें ख़त्म हो जाती हैं और ओल्ड गोबो आ जाते हैं बास्केट के साथ, उसमें कुछ फ्रूट्स होते हैं, अपने बेटे से मिलने आए हैं लॉन्सलॉट गोबो से। और ओल्ड गोबो ब्लाइंड हैं, सैंड ब्लाइंड यानी थोड़े हाफ ब्लाइंड हैं, कुछ दिखता है उनको कुछ नहीं भी दिखता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो अपने बेटे को पहचान नहीं पाते हैं। और दूसरी बात, लॉन्सलॉट के फादर जब उससे मिलने आए हैं तो उससे पहले उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब दाढ़ी आ गई है चेहरे पर, तो उस पहचानने में और मुश्किल हो रहा है। तो उनसे भरपूर मज़ा लेता है लॉन्सलॉट, कहता है कि कौन है तुम्हारा बेटा, मर गया, ये है वो है, यहाँ कोई नहीं है, किसकी बात कर रहे हो। और बाद में जब उसके फादर बहुत परेशान हो जाते हैं ओल्ड गोबो, तो बाद में
अपनी आइडेंटिटी ओपन करता है कि ये मैं ही हूँ। तो देखिए गॉबो लॉन्सलॉट गॉबो से यानी अपने बेटे से ही अपने बेटे के बारे में पूछते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर यंग मैन यू आई प्रे यू विच इज़ द वे टू मास्टर ज्यूज। कहते हैं कि नौजवान यंग मैन क्या तुम मुझे बताओगे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाइलॉक का घर किधर है। लॉन्सलॉट असाइड यानी अलग हटकर कहता है, अपने मन में सोचता है, कहता है अब ठीक है, अब मज़ा आ गया, ये तो मुझे पहचान नहीं रहे हैं, अब इनसे मज़ा लेता हूँ। कहता ओ हेवंस दिस इज़ माय ट्रू बेगोटन फादर। कहता कि अच्छा ये तो मेरे फादर ही हैं, हु बीइंग मोर देन सैंड ब्लाइंड हाई ग्रेवल ब्लाइंड। कहता है कि ये तो सैंड ब्लाइंड से भी ज़्यादा अंधे हैं, यानी हाफ ब्लाइंड से भी ज़्यादा अंधे हो चुके हैं। हाई ग्रेवल ब्लाइंड, ग्रेवल ब्लाइंड का मतलब क्या है, जिसे रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी ना दिखे, जिससे ठोकर लग सकती है। नोज मी नॉट, कहते कि इनको तो पता ही नहीं कुछ, मुझे जानते ही नहीं है। आई विल ट्राई कन्फ्यूजन्स विद हिम, कहता कि अब भरपूर कन्फ्यूज़न में डालूँगा इनको, कन्फ्यूज़ करूँगा इनको, मज़ा लेना चाहता है। गाओ फिर से पूछते हैं, मास्टर यंग जेंटलमैन आई प्रे यू विच इज़ द वे टू मास्टर ज्यूज। कहता है कि प्लीज़ मुझे बता दो शाइलॉक का घर किधर है। अब लॉन्सलॉट बोलना चालू कर देता है, क्या कहता है, टर्न अप ऑन योर राइट हैंड एट द नेक्स्ट टर्निंग बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल ऑन योर लेफ्ट। यानी वो बड़े घुमा फिरा कर कहता है, जैसे वो कहते नहीं है बहुत सारे अपने मीम्स या कुछ वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि उधर जाओ बाएं मुड़ जाना फिर दाएं मुड़ जाना, वहाँ एक मंदिर मिलेगा, वहाँ भी मेरा घर नहीं, फिर अगर और आगे चले जाना। तो बिल्कुल लॉन्सलॉट वही सारी कन्फ्यूजन्स यहाँ पर दे रहा है, कहता है कि पहले दाएं मुड़ो अगले चलकर, फिर नेक्स्ट टर्निंग पे अपने बाएं मुड़ जाना। कहता है मैरी एट द वेरी नेक्स्ट टर्निंग टर्न ऑफ नो हैंड। क्या कहता है कि फिर अगली जो मोड़ आएगी वहाँ कहीं मुड़ना ही नहीं है, मोड़ आएगी तो मुड़ना तो पड़ेगा ना, लेकिन कहता है कहीं नहीं मुड़ना है, बट टर्न डाउन इनडायरेक्टली टू द ज्यूज़ हाउस। यहाँ पर इसे डायरेक्टली कहना चाहिए थे लेकिन उसने इनडायरेक्टली कहा कन्फ्यूज़ करने के लिए, कहता है कि फिर सीधे ज्यू का घर आ जाएगा। अब गोबो क्या कहता है, बाय गॉड सॉन्टीज, सॉन्टीज मतलब सेंट्स, कहता है यानी भगवान तुम पर दया करें, इट विल बी हार्ड वे टू हिट। कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है जो तुमने मुझे बताया। अ हार्ड वे टू हिट मीन्स अ हार्ड वे टू फाइंड, ही सेज इट इज़ अ वेरी हार्ड वे टू फाइंड, यानी जो जैसे तुम रास्ता बता रहे हो ये तो मिलना बहुत मुश्किल है। कैन यू टेल मी वेदर वंस लॉन्सलॉट दैट ड्वेल्स विद हिम ड्वेल विद हिम और नो। कहता है कि क्या तुम मुझे ये बताओगे कि लॉन्सलॉट यहाँ पर रहता था पहले, शाइलॉक के साथ रहता था, अब वो उनके साथ रहता है नहीं रहता है। और लॉन्सलॉट क्या कहता है, टॉक ऑफ यू यंग मास्टर लॉन्सलॉट। कहता है अच्छा आप उन मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। फिर अलग हटकर क्या कहता है साइड में, मार्क मी नाउ, कहता है अब देखो क्या करता हूँ मैं, नाउ विल आई रेज द वाटर्स। कहता है बिल्कुल अब तो तहलका मचा दूंगा मैं, अब देखो क्या होता है। फिर बोलता है टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, कहता है अच्छा आप लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। तो गॉबो क्या कहता है, नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन सर। तो गॉबो क्या कहते हैं कि वो मास्टर नहीं है, वो तो एक गरीब आदमी का लड़का है, वो मेरा बेटा है। हिज फादर दो आई से इट इज़ एन ऑनेस्ट एक्सीडिंग पुअर मैन। क्या कहता है कि उसके जो पिता हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और एक्सीडिंग मतलब हद से ज़्यादा गरीब हैं। गॉड बी थैंक्ड वेल टू लिव, कहता है कि धन्यवाद है कि हम अच्छे तरह से जी पा रहे हैं और हमारा बेटा भी अच्छे से फॉलो कर रहा है लाइफ को। तो क्या कहता है, वेल लेट हिज फादर बी व्हाट ही विल, यानी कहते हैं कि उसके पिता जो है सो है, मुझे क्या लेना देना। वी टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, कहता है कि तुम तो मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हो ना, बार बार लॉन्सलॉट को मास्टर बोलता है।
तो गॉबो क्या कहता है, योर वॉरशिप्स फ्रेंड एंड लॉन्सलॉट सर, वॉरशिप्स फ्रेंड क्या कहता है कि तुम्हारे ही जैसा था वो, और उसका नाम लॉन्सलॉट था। तो आगे लॉन्सलॉट क्या बोलता है, बट आई प्रे यू एर्गो, एर्गो मीन्स देयर फोर, इसलिए कहता है देयर फोर, देयर फोर ओल्ड मैन आई बिसीच यू टॉक ऑफ यू यंग मास्टर लॉन्सलॉट, कहता है कि आप उन्हीं यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। गबो कहता है ऑफ लॉन्सलॉट एंड प्लीज योर मास्टरशिप, कहता है वो सिर्फ लॉन्सलॉट है, आपका मास्टर नहीं है वो, एक मामूली सा नौकर है, सर्वेंट है, गरीब आदमी का लड़का है। तो लॉन्सलॉट कहता है एर्गो यानी देयर फोर मास्टर लॉन्सलॉट, टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट फादर फॉर द यंग जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू फेट्स एंड डेस्टनीज एंड सच ऑड सेइंग्स द सिस्टर्स थ्री एंड सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग इज इंडीड डिसीज्ड। तो अब उनको कन्फ्यूज करने लगता है, कहता है कि आप मास्टर लॉन्सलॉट की बात नहीं कर रहे हैं कि फादर फॉर द यंग जेंटलमैन यानी जिसके आप पिता हैं, अकॉर्डिंग टू द फेट्स एंड डेस्टनीज एंड सच ओड सेइंग्स, कहता है कि फेट्स डेस्टनी एंड ओड सेइंग्स, फेट्स डेस्टनी दोनों चीज़ एक ही हैं, इंसान की किस्मत, उसका एम, उसके टारगेट, ओड सेइंग्स यानी कुछ कहावतें, इनके बारे में बात करता है। द थ्री सिस्टर्स, तो यहाँ पर लॉन्सलॉट ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है जो नॉर्मल लोगों के समझ में, समझ से बाहर हैं। तो यहाँ पर वो उन लोगों की बात करता है, सिस्टर्स थ्री किसको बोल रहा है, क्लोथो, लैचिसिस एंड एट्रोपोस, इनको फेट्स एंड डेस्टनी बोलते थे, ये थ्री सिस्टर्स हैं। तो कहता है कि उनके अकॉर्डिंग इज़ इंडीड डिसीज्ड, तो ये सारी चीज़ें रुक चुकी हैं लर्निंग, और एज़ यू वुड से इन प्लेन टर्म्स गॉन टू हैवन, कहता है कि अगर मैं साफ साफ कहूँ, प्लेन टर्म्स में बोलूँ, तो तुम्हारा जो बेटा है वो स्वर्ग चला गया, वो अब नहीं है, वो मर चुका है। तो गोबो अब क्या कहते हैं, गोबो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं मैरी गॉड फॉरबिड, कहते हैं कि गॉड इस बात को फॉरबिड करे, यानी भगवान करे ऐसा ना हो, द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज, वेरी स्टाफ ऑफ माई एज यानी मेरी बुढ़ापे की लाठी था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, माई वेरी प्रॉप, प्रॉप मतलब एक इसे लाठी या डंडा बोल सकते हैं, पोल यानी सहारा था वो मेरा, कहता वो जो मुझे सपोर्ट करता मेरे बुढ़ापे में, मेरी देखभाल करता। तो ऐसी बात आप मत करो, भगवान ना करे कि उसको ऐसा हो। तो आज यहाँ तक हम देखेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम We will explain the latter part, और आगे देखेंगे दोनों एक कैसे मिलते हैं आपस में, फिर बैसानियों, ग्रेशियानों, ये सभी लोग आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अपलोड होते ही आपके पास अपडेट पहुंचेगा, आप देख सकते हैं उसे, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।